चलो ये कहता है हमारे पास दो स्टोन है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन। कहता है दो स्टोन है, एक का मास m है, एक का मास 2m है, उनको एक हॉरिजेंटल सर्कल में घुमाया जाता है जिसकी रेडियस अलग अलग है। चलो हॉरिजेंटल सर्कल बना लेते हैं, बोर्ड पे ऐसे बना लिया मैं ये, तो ये जो रेडियस है ठीक है ये, तो ये कहता है टू मासेस, एक का मास m है जिसकी रेडियस r है, इसका मास m है और रेडियस r है, और ये 2m वाला रेडियस r by 2 में है। कहता है टेंजेंशियल स्पीड ऑफ वन, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर, लाइटर कौन है, हल्का कौन है, m वाला, तो इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड, अगर टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर इज n टाइम्स दैट, अगर इसकी जो हैवियर वाला है उसकी स्पीड भी है, तो इसकी स्पीड जो होगी वो n भी होगी, ठीक है n टाइम्स है। तो कहता है दे एक्सपीरियंस सेम सेंटीपिटल फोर्स देन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है तो n की वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकालना है यार, फाइंड द वैल्यू। सेंटीपिटल फोर्स सेम है, एफ वन बराबर एफ टू, तो पहले वाले में सेंटीपिटल फोर्स लिखो, सेंटीपिटल फोर्स इस बड़े वाले में लिखो रेडियस, सेंटीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर होता है, एम बी एन स्क्वायर बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर ओवर आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स एम टू एम, और वेलोसिटी एम बी स्क्वायर ओवर आर, आर की पावर आर और टू ऊपर चला गया फोर, ठीक है इसको सॉल्व कर लो, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, एन की वैल्यू आ जाएगी टू, सी ऑप्शन सही है।